पूरा सब कुछ निकलवा दिया। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉगर। तो कैसे हो आप लोग? होपफुली आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बहुत मस्त होंगे। मैं फिलहाल ठीक हूँ। और यार आज मेरा बेंगलोर में लास्ट डे है, दो दिन रहा, जो भी काम था ऑफिस का सारा क्लियरेंस हो गया वहाँ से, है ना। अभी मैं फिलहाल जा रहा हूँ एयरपोर्ट, आप देख सकते हो। और आज के जो हमारे ड्राइवर भैया हैं वो ये हैं, क्या नाम है भैया आपका? लोहित। लोहित नाम है। तो भैया बात करते हुए जा रहे हैं, अच्छा है। और आप हिंदी जानते हैं ना? आप लोकल यहीं के हो? हाँ, लोकल का। तो हिंदी कैसे सीखा आपने? हिंदी ड्राइविंग डिपार्टमेंट में पूरा सिखाएगा। अच्छा, कन्नड़, हिंदी, तमिल, तेलुगु। अच्छा, पूरा आपको सिखा दिया हिंदी वगैरह सब? हाँ। है ना। अच्छा यार, मैं सुना था कि यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर बहुत है, लेकिन मुझे, मैं दो दिन रहा तो जितना भी ओला उबर के ड्राइवर भैया हैं, मतलब मुझे तो लगा नहीं कि वो लोग को हिंदी नहीं आता है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि हिंदी नहीं आता है इनको, बहुत दिक्कत होगा बात करने में, बहुत दिक्कत होगा। लेकिन मुझे दो दिन में फील हुआ नहीं कि मतलब किसी को हिंदी ऐसा नहीं आता है। मेरा फ्लाइट है 2 बजे का और फिर मुंबई पहुंचूंगा, अराउंड 2 घंटे का फ्लाइट होगा। फिलहाल चलिए देखते हैं क्या क्या होता है रास्ते में, और जो भी सीन होगा ये ब्लॉग बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है, बहुत ज्यादा मजा आएगा आपको। सो प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ कि ब्लॉग को एंड तक देखें। और दो दिन से मुझे एक चीज यहाँ पे और थोड़ा सा यूनिक लगा, थोड़ा सा अजीब लगा कि यार सुबह तक कोई बारिश नहीं, मतलब 4 बजे तक आपको पूरा धूप भी ऐसा कि आपको मतलब पूरा एकदम स्किन जला देगा एकदम। लेकिन 4 जैसे ही बजता है बारिश शुरू, मतलब दो दिन से, पता नहीं पहले भी ऐसे ही होता है क्या? 3 दिन से ऐसा हो रहा है। 3 दिन से ऐसा हो रहा है, मतलब मैं आया तभी ऐसा हो रहा है। को अभी फिलहाल धूप किया हुआ है और जैसे ही 5 बजेगा मतलब बारिश स्टार्ट, और इतना बारिश है कल रात को मतलब मैं 10 बजे घर पहुंचा हूं। और सबसे मेन चीज ट्रैवलिंग, यहां पे अगर आप ट्रैवलिंग के शौकीन हो तो भाई बहुत कॉस्टली है ना। मुंबई में लोकल ट्रेन है, हार्डली 30 रुपया में आप कहीं भी चल जाओगे। यहां पे 500 तो आपको जेब में मतलब एक ट्रिप के लिए रखना ही पड़ेगा। चेकिंग लगा हुआ है यहाँ पे। Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. I am looking for the better days, seem like they just stay away whenever I try. There's so many things that I keep in my mind. My friends keep me out and it hurts every time. With ये जो है ये पहाड़ है, पूरा यहाँ पे टाइल्स वगैरह बनाने में यूज होता है। With all the emotions I built up inside, oh why can't I? Will someone look for me if I disappear? No matter how much that I scream, nobody hears. But I see the light from far away, it's down the line. तो जी ये है बेंगलोर एयरपोर्ट का, कंपागवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ATC टावर। टर्मिनल 2 उस साइड बन रहा है ना। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा मिलके आपसे, बहुत ज्यादा अच्छा लगा मिलके, थैंक यू। तुझे रीच एयरपोर्ट, और अभी अपने पास इतना लगेज है तो फटाफट चलते हैं, सारा जो प्रोसीजर्स है यहाँ पे चेक इन का वो करते हैं और फिर मैं आपसे मिलता हूँ। और भाई साहब उतरते हैं, यहाँ पे गर्मी इतना लग रहा है कि पूछो नहीं। मैं आपको यहाँ से बैक कैमरा से आपको बेंगलोर एयरपोर्ट का व्यू दिखाता हूँ। तो ये देखो, इस साइड में बन रहा है टर्मिनल 2 और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ अभी ये है टर्मिनल 1। यहाँ से आप कुछ व्यू देखो, ये टर्मिनल 1। चलते हैं फटाफट अंदर और फिर मिलते हैं। तो एयरलाइंस का काउंटर आई थिंक इस साइड पे होगा, तो मैं फटाफट चलता हूँ इस साइड। देखो स्टाफ ट्रैवल किधर है? 30-31। ओके थैंक यू। सो वेट ऑफ दिस ट्रॉली इज 15 kg, इसका 7 kg आ रहा था। ओके सो माई बोर्डिंग इज फ्रॉम गेट नंबर 14 अलाउड। नाउ इट्स टाइम फॉर सिक्योरिटी चेक एंड देन आफ्टर वी विल गो टू गेट नंबर 14। सो भाई चला गया सारा इसमें, पूरा सब कुछ निकलवा दिया, ये वाला बैग भी और इसमें से भी सारा कुछ निकालना पड़ा। फाइनल सिक्योरिटी चेक इज डन, नाउ आई एम गोइंग टू गेट नंबर 14। सो वेटिंग 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 एंड वेटिंग। सो द बोर्डिंग फॉर फ्लाइट 6E5351 इज स्टार्टेड। My seat number is 5D. Just now they have given the seat 5D, no? 5D. Life's a fool again, thinking I could fool myself by telling me lies. When there's so many things that I keep in my mind, I hang around people I don't even like. If they can be happy and walk with a smile, oh why can't I? Will someone look for me if I disappear? No matter how much that I scream, nobody hears. But I see the light from far away, it's down the line. उड़ान के दौरान कुर्सी की पेटी बांधे रखें। कैबिन में हवा का दबाव कम होने पर ऑक्सीजन मास्क अपनी कुर्सी के ऊपर लगे पैनल से अपने आप नीचे आ जाएंगे।
आप अपनी कुर्सी पर बैठे रहें और ऑक्सीजन का प्रवाह शुरू करने के लिए ऐसे अपनी ओर खींचे और नाक और मुंह ढक कर सांस लेते रहें। ऑक्सीजन मास्क पहनने से पहले अपना फेस मास्क जरूर उतार लें और दूसरों की सहायता करने से पहले अपना मास्क सही तरीके से पहन लें। मुंबई और ये देखो मेरे सामने है मुंबई एयरपोर्ट का ATC टावर। और आज के इस ब्लॉग में आशा करता हूँ कि आपको बहुत मजा आया हो। अगर ब्लॉग में मजा आया हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ ब्लॉग को लाइक कर देना, चैनल पे अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और फिर यहीं से दूसरा ब्लॉग कंटिन्यू करूंगा, नहीं तो ये बहुत लंबा ब्लॉग बन जाएगा। तो आज के ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।